Do you subscribe my channel? If not, then do subscribe and click on that bell icon to get notified. तो देखिए हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलिनगन, देन पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख लिया, लेकिन हमें इनके ऊपर प्रीवियस ईयर में आ गए सारे के सारे क्वेश्चंस को भी देखना पड़ेगा, तभी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में। तो देखिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, तो इससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। और हाँ, याद रखिए बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है इसको अगर आप कर लें तो आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा। मैंने लास्ट 1998 या फिर सम 1988 लास्ट 30 ईयर का क्वेश्चन तो प्रिपेयर किया है, तो आप देख लीजिए। थैंक यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक प्लांट का ऐसा पार्ट बताओ जिसमें कि दो जनरेशन एक ही ऑर्गन के अंदर मौजूद हो। तो ऑप्शन से पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ टू मेल गैमेट्स, सीड इनसाइड द फ्रूट एंड एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर इट कंटेंस द स्पोरोफाइट जनरेशन ऑल्सो एंड द गैमेटोफाइटिक जनरेशन ऑल्सो। सेम इन द केस ऑफ एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल दैट ऑल्सो कंटेन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड द गैमेटोफाइटिक जनरेशन, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन इन वाटर हायसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई डैश, द ऑप्शन आर इंसेक्ट्स और विंड, विंड एंड वाटर, वाटर करेंट्स ओनली एंड इंसेक्ट्स एंड वाटर। द आंसर इज ऑप्शन ए इंसेक्ट और विंड, बिकॉज वाटर हायसेंथ एंड वाटर लिली देयर फ्लावर्स आर इमर्ज्ड फ्लावर, इनके जो फ्लावर होते हैं वो पानी के ऊपर आते हैं, पानी से उठकर है, इसीलिए इसका आंसर इंसेक्ट या फिर विंड होगा। फिर आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फसल। देखिए पोलन ग्रेन ये बहुत साल तक फसल के रूप में पाया जाता है, तो इसके लिए कौन सा केमिकल हेल्पफुल होगा प्लांट को, क्या इसका आंसर पोलन कीट है या फिर ऑयल कंटेंट या फिर सेलुलोजिक एंटाइन या फिर स्पोरोपोलेनिन। वी नो स्पोरोपोलेनिन इज द हार्ड एंड रेजिस्टेंस केमिकल दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द पोलन ग्रेन, दैट्स व्हाई स्पोरोपोलेनिन इज द राइट आंसर। देन व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, तो ये ओडिशा नीट 2019 में आया था। ऑप्शन है टेट्रास्पोरिक विथ मोनो with one mitotic stage of divisions, monosporic with three sequential mitotic division, monosporic with two sequential mitotic division, bisporic with two sequential mitotic division. We know in the previous video the answer is option B, that is monosporic with three sequential mitotic division, we know that. Then attractants and rewards are required for dash. Dekhiye कौन से टाइप के पॉलिनेशन में, ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन से टाइप के पॉलिनेशन में अट्रैक्टेंट या फिर रिवार्ड का जरूरत होता है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है एंटोमोफिली, क्योंकि एंटोमोफिली में इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं, इसीलिए इनको चाहिए ही चाहिए क्या, इनको अट्रैक्टेंट या फिर नेक्टर ये सब जरूरत है, जैसे कि इंसेक्ट इनके ओर अट्रैक्ट हो। फिर आता है फ्लावर्स व्हिच आर सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इन टू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाई डैश, द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विंड, क्योंकि विंड पॉलिनेशन के जो फ्लावर होते हैं उनका यही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिर आता है ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ डैश ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड जेनोगैमी, ऑटोगैमी या फिर जेनोगैमी। वी नो ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी ये दो सेल पोलिनेशन के अंदर आता है, लेकिन एक डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट में मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर ये डिफरेंट प्लांट में फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एग हैज फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, देर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, रिडक्शन डिविजन ऑकर्स इन द मेगास्पर्म मदर सेल, ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन दैट एम्ब्रियो सैक। देखिए क्वेश्चन का मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या दिखाई देता है, तो एग एज फिलीफॉर्म ऑपरेटस ये सब में नहीं होता है,
फर्स्ट एग हैज नॉट द फिलिफॉर्म अपैरेटस, इट्स द सिनर्जिड, सिनर्जिड के पास फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है। फिर आता है देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, नो देयर आर थ्री एंटीपोडल सेल्स। रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, इट्स द राइट आंसर बिकॉज आफ्टर दिस द मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन दैट एम्ब्रियो सैक, रिमेंबर दिस वन इज ओनली सीन इज द सीन इन द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, नॉट इन ऑल द टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवर्ट्स टू द एनिमल पॉलिनेटर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एनिमल पॉलिनेट करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा रिवर्ड क्या होता है, उनके लिए सबसे अच्छा रिवर्ड नेक्टर या फिर पोलन ग्रेन ही होगा। क्यों? क्योंकि नेक्टर को वो लोग अपने नरिशमेंट के लिए यूज करेंगे, पोलन ग्रेन उनके चारों ओर चिपक जाएगा, इसीलिए नेक्टर या फिर पोलन ग्रेन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू डैश, देखिए इसका आंसर है मेगास्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि मेगास्पोरेंजियम में ही मेगास्पोर रहता है, उसी तरह ओव्यूल के अंदर भी मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, तो किसको हम पॉलिनेटर के सहायता से पॉलिनेट करता हुआ देखते हैं लेकिन वो जेनेटिकली ऑटोगैमी के साथ सिमिलर होता है, तो इसका आंसर होगा जिटोनोगैमी। क्यों? क्योंकि जिटोनोगैमिक प्लांट में पॉलिनेटर चाहिए, क्योंकि वहां पर मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर वो सेपरेट मौजूद है लेकिन एक ही प्लांट में मौजूद है, इसलिए जेनेटिकली दे आर सिमिलर टू ऑटोगैमी बट दे रिक्वायर एजेंट्स या फिर पॉलिनेटर्स। फिर आता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ स्टैमेन इज अटैच टू डैश, देखिए प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का वो नीचे की ओर रहता है लेकिन जो डिस्टल एंड है वो ऊपर की ओर रहता है, इसीलिए डिस्टल एंड कनेक्टेड होगा कनेक्टिव से और जो प्रॉक्सिमल एंड है ये थैलेमस या फिर पेटल के साथ ही कनेक्टेड होगा। फिर आता है फिलिफॉर्म अपैरेटस, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। अभी कुछ ही देर पहले मैंने कहा कि फिलिफॉर्म अपैरेटस मौजूद होता है एग में नहीं, वो सिनर्जिड में मौजूद होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स डैश, ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये सही लग रहा है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, नहीं ये गलत है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू डिस्टेंट पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिटोनोगैमी में एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर मौजूद होता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस डैश इट इन्वॉल्व्स मेयोसिस और इट अकर्स इन ओव्यूल और इट अकर इन एंथर और फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिविजन, तो इसमें से क्या सही होगा? तो इसमें से सही होगा ऑप्शन ए दैट इन्वॉल्व्स मेयोसिस, क्योंकि हमें पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों में ही ये मेयोसिस कॉमन है। फिर अगर मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस डैश, इट आइदर प्रोड्यूस सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल और इट प्रोड्यूस थ्री स्पर्म्स और इट प्रोड्यूस टू स्पर्म्स एंड वन वेजिटेटिव सेल और इट प्रोड्यूस सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, द आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज टू स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल। देन फंक्शन ऑफ अ फिलिफॉर्म अपैरेटस इज टू डैश, ऑप्शन ए रिकॉग्नाइज द सुइटेबल पोलन एट स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिविजन ऑफ अ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर और गाइड द एंट्री ऑफ अ पोलन ट्यूब। रिसेंटली जब हमने एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा था तभी हमने देखा था कि इसका जो फंक्शन है वो है गाइड द एंट्री ऑफ अ पोलन ट्यूब, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन एडवांटेज ऑफ अ क्लिस्टोगैमी इज डैश, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, विविपारी, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी या फिर मोर विगरस ऑफस्प्रिंग। देखिए हमें पता है कि जो क्लिस्टोगैमिक फ्लावर होता है वो बिल्कुल भी ओपन ही नहीं होता है, वो अपना लाइफ साइकिल फ्लावर को क्लोज रखते ही कंप्लीट करता है, तो इसीलिए इसको पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंडेंट होने का कोई जरूरत नहीं है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जर्म पोर, दैट इज एमर्जेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, इनिशिएशन ऑफ अ पोलन ट्यूब, रिलीज ऑफ अ मेल गैमेट्स। इसका आंसर है
emergence, sorry, initiation of a pollen tube, क्योंकि हमें पता है कि जो जर्म पोर होता है वो इंटाइन के एक्साइन के ऊपर होता है, जब एक्साइन बर्स्ट करता है स्टिग्मा के ऊपर तब जर्म पोर से ही निकल आता है क्या पोलन ट्यूब निकल आता है जो कि इंटाइन से ही फॉर्मेशन होता है। फिर अब मेगास्पोरांजियम इज इक्वेलेंट टू डैश, मेगास्पोरांजियम इज इक्वेलेंट टू ऑप्शन बी दैट इज ओव्यूल, वी हैव डिस्कस्ड दिस फ्यू मिनट्स अगो। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगैमस, देखिए इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया गया है जैसे कि जिटोनोगैमी, जेनोगैमी, चश्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, लेकिन आप देखिए जो जिटोनोगैमी है वो एक तरह से ऑटोगैमस है लेकिन उसमें पोलिनेटर को पोलिनेटर का हेल्प चाहिए। जो जेनोगैमी है जेनोगैमी कंप्लीटली क्रॉस पोलिनेशन है, चश्मोगैमी चश्मोगैमी क्रॉस पोलिनेशन को प्रिफर करता है लेकिन जो क्लिस्टोगैमी है वो पूरी तरह से ऑटोगैमस है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज एंडोथेसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, हार्ड आउटर लेयर ऑफ अ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। सो द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, क्योंकि अगर देखे तो एंडोथेसियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ये एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है एंथर में। हार्ड आउटर लेयर ऑफ अ पोलन इज कॉल्ड एक्साइन नॉट इंटाइन, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, दैट्स रॉन्ग, स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिप्लॉइड। मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ अ थिक वॉल, डिफरेंशिएशन या फिर मेयोटिक डिवीजन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर के मदर सेल से कब पैदा होता है, जब मेयोसिस कंप्लीट होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस, जेनोगैमिक फ्लावर जेनोगैमी अकर्स ओनली बाय विंड पोलिनेशन, चश्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ये उसका अपोजिट दिया गया है। ऑप्शन बी जेनोगैमी अकर्स ओनली बाय विंड पोलिनेशन ये भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लिस्टोगैमिक फ्लावर दे आर ऑलवेज ऑटोगैमस। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू डैश, देखिए एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है, ये हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड डैश, दैट इज कॉल्ड जिटोनोगैमी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन ये एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। देखिए यहां पर जो पिक्चर दिया है और जो ऑप्शंस दिए हैं, आप अगर ए बी डी को नहीं जानते हैं तब भी आप इसको राइट आंसर दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये जो सी में जो पिक्चर्स दिया गया है वो एंटीपोडल्स है। ठीक है, वो एंटीपोडल है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंटीपोडल मौजूद होता है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का पिक्चर है, तो सी एंटीपोडल है, तो इसी के साथ अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से जानना है तो आपको पता होगा जो ऑफसेट होता है वो वाटर हाइसिन में दिखाई देता है, एक तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो ऑप्शन ए इज ऑफसेट। ऑप्शन बी इज एंथ्रीडियोफोर जो कि ब्रायोफाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि ऑप्शन बी में दिखाया गया है। फिर ऊगोनियम दिखाया गया है जो कि कारा में दिखाई देता है, वो ऑप्शन डी। ठीक है, सो फेनोमेनन व्हिच रेफर्स टू डैश, एंथेसिस एक फेनोमेनन जो कि प्लांट में दिखाई देता है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर बड। इन अ फ्लावरिंग प्लांट आर्केस्पोरम गिव राइज टू डैश, द ऑप्शन आर ओनली द वॉल ऑफ अ स्पोरांजियम, both wall and sporogenous cell, wall and the tapetum, only tapetum and sporogenous cells, the answer is both wall and sporogenous cells। जो आर्केस्पोरियम इनिशियल होता है वो जब डिवाइड करता है वो एक प्राइमरी पेरिटल लेयर देता है जो कि वॉल फॉर्मेशन करता है और दूसरा देता है स्पोरोजिनियस सेल। फिर आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनमें से कौन ने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई देता है, द ऑप्शंस आर न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल्स, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। इसमें एग सेल और जो एंटीपोडल सेल है ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम
कैरी करता है, लेकिन अगर आप देखें तो न्यूसेलस या न्यूसेलस डिप्लोइड है लेकिन एंटीपोडल हैप्लोइड है, तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। एक न्यूक्लियस हैप्लोइड है लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस वो डिप्लोइड है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लोइड है, एंटीपोडल हैप्लोइड है, इसीलिए द आंसर इज राइट आंसर इज एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, दे ऑल आर हैप्लोइड। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स डैश जिटोनोगैमी बट नॉट जेनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी, बोथ जिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है कि जो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ अ फ्लावर है वो क्या रोकेगा, तो इसका आंसर है सी ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। क्यों? क्योंकि जिटोनोगैमी एक तरह से सेल पोलिनेशन भी है, एक तरह से क्रॉस पोलिनेशन भी है, लेकिन ऑटोगैमी पूरी तरह से सेल पोलिनेशन है, इसीलिए यूनिसेक्सुअलिटी वहां पर नहीं होगा और यूनिसेक्सुअलिटी भी ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा। एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक इज डैश दैट इज मोनोस्पोरिक, ऑप्शन सॉरी एट न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सैक, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, एट न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सैक दैट कैन बी मोनोस्पोरिक, दैट कैन बी टेट्रास्पोरिक और दैट कैन बी बाइस्पोरिक, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एनी ऑफ दिस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय ए कैलोज वॉल, तो कैलोज वॉल किसको कवर करता है, ऑप्शन ए मेल गैमेट, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी पोलन ग्रेन, ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर मदर सेल, द आंसर इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को कैलोज वॉल से कवर किया जाता है, जब वो डिवाइड करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करता है तब भी कैलोज मौजूद होता है, लेकिन जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तब कैलेज उस कैलोज को, कैलेज एंजाइम उस कैलोज को डिग्रेड कर चुका होता है, तो इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द राइट आंसर। मेल गैमेट्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ अ डैश, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर। देखिए यहां पर पूछा गया है कि जो मेल गैमेट है वो किसमें से फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका आंसर है जेनरेटिव सेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आता है इफ देर आर फोर सेल्स इन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अ पोलन ग्रेन, देखिए एक एंथर में अगर फोर सेल होगा तो उसमें पोलन ग्रेन कितना फॉर्मेशन होगा। देखिए इसका मतलब है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो अगर चार हुआ तो पोलन ग्रेन कितना फॉर्मेशन होगा, तो उसका आंसर मेयोसिस का, मेयोसिस मींस एक सेल से चार सेल, इसलिए चार सेल से 16 सेल फॉर्मेशन होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन द अरेंजमेंट ऑफ अ न्यूक्ली इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट इज अ डैश, द आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 3-2-3 मींस 3 एंटीपोडल 2 पोलर न्यूक्ली एंड द रेस्ट 3 इज सिनर्जिड एंड एग, सो 3-2-3 इज द राइट आंसर। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में नॉर्मली जो अरेंजमेंट दिखाई देता है जो कि पॉलीगोनम टाइप होता है। इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स, देखिए 100 पोलन ग्रेन के लिए कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 25, क्योंकि 25 से ही मेयोसिस के बाद 100 पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है। पॉइंट आउट द ऑड वन, इसमें से जो ऑड होता है उसको आप निकालो, न्यूसेलस माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक एंड पोलन ग्रेन। देखिए यहां पर न्यूसेलस माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक ये सब फीमेल में दिखाई देता है लेकिन पोलन ग्रेन वो मेल का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज द ऑड वन आउट। मेयोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम और सेल्स ऑफ लैटरल मेरिस्टेम और माइक्रोस्पोर एंड एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरोसाइट, तो इनमें से मेयोसिस किस में अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम में मेयोसिस नहीं होता है, लैटरल मेरिस्टेम में भी मेयोसिस नहीं होता है क्योंकि वो सब सोमेटिक सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर एंड एंथर वॉल, इसमें माइक्रोस्पोर में दिखाई देता है मेयोसिस लेकिन एंथर वॉल में नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो माइक्रोस्पोरोसाइट सेल बेसिकली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं उनमें मेयोसिस बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्पोरोसाइट विल फॉर्म द पोलन ग्रेन, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स डैश दैट इज मेगास्पोर, मेगास्पोरोफिल, मेगा गैमेटोफाइट या फिर मेगा गैमेट, द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज मेगा गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक इज द गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट डैश 4 सेल्ड पोलन ग्रेन, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एंथर, तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो कब गिरता है, तो ऑप्शन बी दैट इज 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक माई डेडिकेशन देन डू फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड येस यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस वीडियोज एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।